গ্রাহকর বাবে হকাহ হোটেল রেস্টুরেন্টত ভরিব নালাগে সার্ভিস ট্যাক্স হোটেল আর রেস্টুরেন্টলৈ গলে আপুনি হয়তো সার্ভিস ট্যাক্স আদায় দিছে কিন্তু এতিয়াৰে পৰা আৰু আপুনি সার্ভিস ট্যাক্স বা সেৱা কৰ আদায় দিব নালাগে কেন্দ্ৰীয় গ্রাহক সুৰক্ষা প্ৰাধিকৰণৰ নিৰ্দেশ হোটেল আর রেস্টুরেন্টে বলপূর্বক লব নোৱাৰিব সার্ভিস ট্যাক্স গ্রাহকক সার্ভিস ট্যাক্স দিবলৈ বাধ্য কৰিব নোৱাৰিব বাধ্য করলে অভিযোগ দিব পাৰিব গ্রাহকে সার্ভিস ট্যাক্স দিয়া নিদিয়া গ্রাহকর অধিকার इसके बारे में तो मेरा राय सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर में है कि जो आपको लगाया जा रहा सर्विस है उसको नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ऐसे महंगाई बाजार में कस्टमर कहां से सर्विस देगा तो मेरा हिसाब से ही मैंने नहीं लगाना ही अच्छा है यहां जो सर्विस जो है जैसे रेस्टोरेंट का है वेट जो हम लोग सर्विस दे रहे हैं यदि जो नेक्स्ट कस्टमर है यदि उनसे खुश होके वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते हम लोग थोड़ा प्रेशराइज नहीं कर सकते मूल बिलर लगत जुग करा होय 10 শতাংশ সার্ভিস ট্যাক্স মুঠ পরিমাণের উপর আকো যুগ হয় জিএসটি এটার পর কোনো হোটেল রেস্টুরেন্টে যে কোনো নামতে হোক সার্ভিস ট্যাক্স লব নোৱাৰিব কেবল এআই নহয় সার্ভিস ট্যাক্স আদায় নিদিয়া গ্রাহকর সেবাত কোনো হীন দেরি হব নোৱাৰিব সার্ভিস আচ্ছা করতে হ্যাঁ তবে কাস্টমার টিপ দেতা হ্যাঁ सर्विस अच्छा नहीं करेंगे तो टिप नहीं देगा ठीक है और जो सर्विस से हम लोग को टिप मिलता है उसमें मेरा पॉकेट मनी चलता है किसी भी सर्विस जो करता है कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो उससे पॉकेट मनी चलता है अगर बंद कर देना हो देगा कस्टमर तो पॉकेट मनी थोड़ा कम हो जाएगा पर सर्विस कम ही नहीं होगा सर सर्विस हम लोग जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे क्योंकि होटल से हम लोग को पैसा मिलता है सर 2017 सनते केंद्र सरकार सर्विस टैक्स बाध्यतामूलक नहय बोली निर्देश जारी करिसिल किन्तु तार पिसतो एकांश होटल रेस्टुरेन्टे एई कर आदाय करि थकार अभिजुक लाभ करार पिसते केंद्र ग्राहक सुरक्षा प्राधिकरणे एई निर्देश दिए न्यूज डेस्क रिपोर्ट डीवाई 365